नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सोमवार को वाशिंगटन के एक कार्यक्रम में कहा है कि भारत के मुसलमान पड़ोसी पाकिस्तान के मुस्लिमों से बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने भारत में मुस्लिमों को लेकर चलाए जा रहे नकारात्मक एजेंडे को लेकर पश्चिमी देशों को जमकर आरे हाथों भी लिया। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन IMF और विश्व बैंक की बैठकों में भाग लेने के लिए एक सप्ताह के अमेरिकी दौरे पर हैं। कर्ज में फंसे रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की आज होने वाली दूसरी नीलामी को एक बार फिर से कर्जदाताओं ने टाल दिया है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक सूत्रों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार कर्जदाताओं की समिति ने RCL के लिए दूसरी ऑनलाइन नीलामी 11 अप्रैल को तय करने का कार्यक्रम रखा था। अगली नीलामी प्रक्रिया कब होगी इसको लेकर नई तारीख के बारे में किसी तरह का फैसला भी नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की आत्मकथा आजाद पर खूब हंगामा मचा हुआ है। इसमें उन्होंने गांधी परिवार के सदस्यों के साथ अपने संबंधों और सियासत से जुड़े कई सनसनीखेज दावे किए हैं। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने नई दिल्ली में राहुल गांधी के साथ मुलाकात के बारे में आजाद के दावे को कल्पना करार दिया। गंभीर अपराध के आरोपियों को चुनाव लड़ने से रोकने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार को यह पहचान करने की जरूरत है कि कौन से अपराध गंभीर किस श्रेणी में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BV नागरत्ना की पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन से कहा है कि सबसे पहले केंद्र को गंभीर अपराधों की पहचान करने की जरूरत है, ये परिभाषित होने चाहिए। इसके बाद हम जुलाई में इस पर सुनवाई करेंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पर लीक हो गए हैं। इसे लेकर वहां की सरकार में खलबली मची हुई है। 3 अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां इस बात की समीक्षा कर रही हैं। आखिर सरकार के इतने बड़े संवेदनशील रहस्य बाहर आ गए और दर्जनों गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक हो गए। अधिकारियों में एक ने बताया है कि जांच अधिकारी पता लगाने में जुटे हैं कि किस व्यक्ति या समूह के पास खुफिया रिपोर्ट जारी करने की क्षमता हो सकती है। OpenAI ने जब से अपना चैटबॉट ChatGPT लाइव किया तब से लेकर अब तक लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चर्चा में। इस बीच एक ऐसी खबर आ रही कि जो आपको हैरान कर देगी। दरअसल अब आपकी आवाज से ये पता लग जाएगा कि आपको सच में सर्दी जुकाम है या नहीं। अक्सर आपने दफ्तरों में ये बात गौर की होगी कि लोग झूठ बोलकर छुट्टियां ले लेते हैं। सामने वाला व्यक्ति भी मना नहीं कर पाता क्योंकि उसे सेहत का हवाला दिया जाता है। लेकिन अब ये सिलसिला नहीं चलेगा क्योंकि एक और AI टूल पर काम किया जा रहा है जो आपकी आवाज से सब कुछ सच बता देगा। उत्तर प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश को एक के बाद एक एक्सप्रेसवे की सौगात भी मिल रही है। ऐसे में से एक है वाराणसी से पश्चिम बंगाल के बीच बनने वाला एक्सप्रेसवे, जिसके निर्माण का काम तेजी से किया जा रहा है। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे कुल 4 राज्यों से होकर गुजरेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। यानी इस राज्यों के लोगों को इस एक्सप्रेसवे का फायदा मिलेगा, साथ ही इसका लाभ व्यापार को आसान करने में भी हो सकेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए तो चीन बुरी तरह बौखला गया। बौखलाहट इस कदर चीनी विदेश मंत्री के प्रवक्ता ने यहां तक कह दिया है कि ये सीमा के अनुसार नहीं है। गृह मंत्री ने चीन को क्षेत्रीय संप्रदा का उल्लंघन किया है और चीन इसका विरोध करता है क्योंकि जंगनान का इलाका चीन का क्षेत्र है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सोनिया ने एक समाचार पत्र में लिखे लेख में मोदी सरकार पर केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग करने, संसद में विपक्ष की आवाज दबाने, मीडिया पर दबाव बनाने, न्यायपालिका की विश्वसनीयता को कमजोर करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। सोनिया ने अपने लेख में महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर भी मोदी सरकार पर हमला बोला है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भारत के घरेलू सत्र 2023-24 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। BCCI द्वारा जारी शेड्यूल से इस दौरान कुल 1,846 मैचों का आयोजन होगा। IPL 2023 का समापन 29 मई को होगा। इसके बाद से भारत का घरेलू सत्र शुरू हो जाएगा। इस बार कई बड़े टूर्नामेंट इस सत्र के दौरान खेले जाने वाले हैं। भारत का यह घरेलू सत्र जून 2023 से लेकर मार्च 2024 तक चलेगा। घरेलू सीजन की शुरुआत दिलीप ट्रॉफी से होगी जो 28 जून 2023 से 16 जुलाई 2023 के बीच खेला जाएगा। हीमाफीलिया आमतौर पर जेनेटिक डिसऑर्डर के रूप में देखा जाता है। यह बीमारी कई बार गंभीर नेचर की होती है। समय पर इस बीमारी का मैनेज किया जाना बहुत जरूरी भी होता है। उम्र बढ़ने की तकलीफ भी बढ़ सकती है। पहले हीमाफीलिया की दवा बहुत महंगी होती थी लेकिन अब सरकार के प्रयास से इलाज सस्ता हुआ है। बता देंगे 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमाफीलिया डे मनाया जा रहा है। शाह ने चीन पर परोक्ष रूप से पलटवार करते हुए कहा है कि भारत की 1 इंच भूमि पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। उनके इस बयान पर पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने तंज कसा है।
उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कोई भी भारत की सीमा पर एक इंच भी अतिक्रमण नहीं कर सकता या बुरी नजर नहीं डाल सकता है, लेकिन चीन ने ऐसा कर दिया है। सिब्बल ने दावा किया कि चीन भारत की सीमा पर अतिक्रमण कर चुका है और बुरी नजर भी डाल चुका है। सिब्बल ने पूछा, चीन पर शब्दों के से वार करने के अलावा आप उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं? आप देश को ये बात बताने की कृपा करें। मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत, जिसको कुछ दिन पूर्व ही पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, उसके बाद से लापरवाही के मामले भी सामने आते जा रहे हैं। दरअसल वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों को खाना उपलब्ध नहीं करवाने का मामला सामने आया है। IRCTC ने कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। रविवार को हजरत निजामुद्दीन से रानी कमलापति आई में यात्रियों को खाना ही नसीब नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बातचीत के बाद केंद्र सरकार पर यूनिफॉर्म नेशनल पॉलिसी तैयार कर सकती है। इस पॉलिसी को इसलिए तैयार किया जाए ताकि स्कूलों में छात्राओं को सैनिटरी पैड, वेंडिंग और डिस्पोजल मैकेनिज्म और स्पेशल वॉशरूम की सुविधा दी जा सके। इसके जरिए पीरियड्स के दौरान साफ सफाई सुनिश्चित की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मामला सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ है। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता संजय मिश्रा ने बॉलीवुड का नाम बदलकर भारतीय सिनेमा रखने का अपील की है। फिल्मी सितारों बनने की दौड़ में शामिल युवाओं में से कहा है कि फिल्मी सितारे बनने से पहले संस्कारी बनो। वे कालिदास संस्कृत अकादमी में विश्व संवाद केंद्र मालवा और उज्जैनी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल समिति के संयुक्त तत्वाधान में हुए 2 दिवसीय उज्जैनी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह में बतौर अतिथि शामिल हुए थे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को राहुल गांधी से कहा है कि वह ट्रोल करने तक ही सीमित है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता को बेबुनियाद आरोप लगाने और मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की जगह उनसे पूछे गए 3 सवालों का जवाब देना चाहिए। सिंधिया की यह टिप्पणी गांधी द्वारा उनका नाम अडानी मामले से जोड़े जाने के बाद आई है। वहीं कांग्रेस ने सिंधिया पर हमला बोलते हुए कहा है कि केंद्रीय मंत्री ने सस्ते ट्रोल के तौर पर अपनी एक नई पहचान बनाई है। इस साल पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाले एशिया कप का मामला सुलझता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप अपने देश में कराने और भारतीय टीम को भी टूर्नामेंट में खिलाने का नया प्लान बनाया है। इस प्लान के मुताबिक भारतीय टीम को टूर्नामेंट खेलने के लिए भी पाकिस्तान भी नहीं जाना पड़ेगा। दरअसल एशिया कप 2023 सीजन पाकिस्तान में ही कराया जा सकता है, जबकि भारतीय टीम अपने मैच किसी दूसरे देश में खेलेगी। PCB ने एशिया कप को कराने का यही तोड़ निकाला है। भारतीय टीम अपने मैच UAE, ओमान, श्रीलंका या इंग्लैंड में से किसी एक देश में खेल सकेगी। केदारनाथ धाम यात्रा शुरू होने से पहले हेली सेवा के नाम पर साइबर ठगों ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है। अज्ञात व्यक्ति ने इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्टर जारी कर 4 धाम यात्रा के लिए हेली सेवा बुक करने के लिए पैकेज साझा किया है। पोस्टर में हेली सेवा ऑनलाइन बुकिंग के लिए वेबसाइट और एक मोबाइल नंबर दिया है। उत्तराखंड पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने उक्त मोबाइल नंबर बंद करवा दिए हैं, जबकि वेबसाइट ब्लॉक कर दी है। हर साल 11 अप्रैल यानी आज के ही दिन भारत के अग्रणी समाज सुधारकों, शिक्षकों और विचारकों में से एक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। महात्मा ज्योतिबा फुले ने महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा की दिशा में काम किया। वह सिर्फ एक कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि एक लोकप्रिय भारतीय विचारक, लेखक और सुधारक भी थे। कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की इस टिप्पणी पर उनकी आलोचना की। लोगों को विदेश यात्रा पर जाते समय अपना राजनीतिक चश्मा पीछे छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस ने कहा है कि राज्यसभा के सभापति को निष्पक्ष होना चाहिए और हमेशा सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच बड़ा अपडेट सामने आया है। व्यस्क बूस्टर खुराक के रूप में सीरम इंस्टीट्यूट के कोवैक्स टीके को भी लगवा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को कोवैक्स को कोविन पोर्टल में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। खास बात यह कि कोवैक्स को हेटरोलॉगस बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने किसी कोई अन्य टीका लगवाया है तो भी कोवैक्स को बूस्टर खुराक के रूप में लगवाया जा सकता है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की सुरक्षा कम किए जाने को लेकर उनकी पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री पंजाब, मेरे पति एक ऐसे नेता है जिनके बहुत सारे समर्थक है। पंजाब के प्रति अपने प्रेम के कारण वह दिन रात यात्रा कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई के एक भाषण में उनका जिक्र होने के बावजूद अपने उनकी सुरक्षा में कटौती की है। आप किसी भी नुकसान के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। हाल ही में माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ब्लू बर्ड की जगह डॉजी कॉइन नजर आने लगा था। एकाएक इस बदलाव से हर कोई चौंक गया। ट्विटर के नए CEO एलन मस्क द्वारा किए गए इस बदलाव के बाद हर किसी को यही लगने लगा कि ट्विटर का लोगो बदल चुका है। हालांकि कुछ समय बाद ब्लू बर्ड की वापसी हो गई। इसी कड़ी में एलन मस्क ने ट्विटर के बैनर को लेकर एक नया बदलाव कर डाला है। कंपनी के CEO एलन मस्क ने ट्विटर का नाम बदलकर ट्विटर कर दिया है। एलन मस्क द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद कंपनी का नाम बदलने की अटकलें भी तेज हो गई हैं।
बाबा अमरनाथ के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल के अमरनाथ गुफा तक सड़क बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है और जुलाई माह तक इसकी डीपीआर बन जाएगी और उसके बाद टेंडर देकर निर्माण प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। इसके पंचतरणी तक वाहन में जाया जा सकेगा और उसके बाद भी पैदल पथ बनाया जाएगा। हाल ही में जानकारी मिली थी कि एप्पल अपना पहला स्टोर मुंबई में शुरू करने वाला है, लेकिन अब कंपनी ने इसके शुरू होने से पहले की तारीख की घोषणा कर दी है। बता दें कि भारत में आईफोन निर्माता का पहला ऑफिशियल रिटेल स्टोर एप्पल बीकेसी 18 अप्रैल को शुरू होने वाला है। इसके साथ ही एप्पल ने साकेत स्टोर के लिए बैरिकेड का भी अनावरण किया है, जिसकी शुरुआत मुंबई स्टोर के 2 दिन बाद होने वाली है। इससे भारत में कस्टमर्स लेटेस्ट एप्पल प्रोडक्ट लाइनअप का अनुभव कर सकते हैं और नए स्टोर से पर्सनल सर्विस और सपोर्ट का लाभ भी उठा सकते हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को और आपको राष्ट्रीय पार्टी को दर्जा हासिल करने के लिए बधाई दी है। साथ ही ये भी लिखा है कि आपको जो मिला है वो मेहनत का नतीजा है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आपकी मेहनत और देश की जनता के प्यार का परिणाम है। अडानी ग्रुप के पास 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए, ये सवाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी काफी समय से पूछ रहे हैं। अब इसका जवाब खुद गौतम अडानी की कंपनी ने दिया है। अडानी ग्रुप ने सोमवार को 10 अप्रैल को 2019 से लेकर अब तक अपनी कंपनियों की बेची गई कुल हिस्सेदारी का ब्यौरा सार्वजनिक किया है। अडानी ग्रुप ने बताया कि साल 2019 से अब तक उसने अपनी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने से $2.87 अरब मिले हैं। साथ ही इनमें से $2.55 अरब को बिजनेस में लगाया जा चुका है। एक दौर था जब कैंपा कोला का स्वाद भारतीय लोगों की जुबान पर राज किया करता था। फिर 90 के दशक में जब भारत की इकोनॉमी को खोला गया तो धीरे धीरे इसका रुतबा खत्म हो गया। थम्स अप और लिम्का जैसे लोकल और बड़े ब्रांड पर विदेश से आई पेप्सी और कोका कोला का अधिकार हो गया। अब उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कैंपा कोला को फिर से लॉन्च किया है। पेप्सी और कोका कोला से टक्कर लेने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पहले ही अपनी जानी मानी स्ट्रेटजी प्राइस वॉर का इस्तेमाल कर रही है। वही कंपनी इस समय चल रहे आईपीएल सीजन का फायदा भी उठाने जा रही है। व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी 2021 को चुनौती देने के मामले में आज मंगलवार को अपडेट आया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिस पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में आज मामले की सुनवाई टल गई है। हालांकि